को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, कैसे चली आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूं आप वेल एंड गुड हो गए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मैं आपके सामने आपको उठाने के लिए आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, मुझसे गुस्सा मत होना, मैं सुबह 6 बजे आपको आकर उठा देता हूं, लेकिन मैं आपकी बहुत चिंता करता हूं, इसलिए मैं आपकी वोकैबुलरी सुबह आपको बहुत चटपटे तरीके से हंसते खेलते गाने बजाते हुए मैं आपके सामने लेकर आता हूं, ताकि आप इंजॉय करके चीजों को कवर करें। ठीक है, आज के चलिए मोटिवेशन पर जाते हैं और पढ़ते हैं हमारे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इन आउटसाइड, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड। यानी कि बाहर क्या चल रहा है ये आप इसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आप इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आपका मन कहाँ जा रहा है, आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला बाहर दुनिया क्या कर रही है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। यानी खुद को बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते अपनी क्लास पर आते हैं और आज हम रूट वर्ड की 14 क्लास कवर करेंगे। इससे पहले लगभग हमने 13 क्लास को कवर किया है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो जान लें कि हम एक मेन रूट वर्ड को लेते हैं, उससे रिलेटेड एक सीरीज को लेते हैं और इन दोनों वर्डों को मैच करते हुए, क्लोज करते हुए, इनका फॉर्मेशन करते हुए नए वर्डों का हम फॉर्मेशन करते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो चलिए समझाते हैं आपको बिल्कुल के प्रैक्टिकल करके कैसे होता है। देखो बच्चा, हमारा ये मेन वर्ड आ गया है ग्राफ, ग्राफी, जो अपने आप में तीन मीन ले रहा है यहां पर, क्या राइटिंग, ड्राइंग और थर्ड आता है हमारा साइंस। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे, राइटिंग, ड्राइंग और साइंस। देखो बच्चा, ग्राफ और ग्राफी का मीन होता है लिखना, ड्राइंग करना या फिर साइंस। साइंस से हमारा मतलब हो सकता है यहाँ पर किसी भी चीज की स्टडी ऑफ, यानी कि अगर आप किसी चीज को साइंस वर्ड आकर ग्राफ वर्ड आ रहा है तो वो हमारा साइंस से होगा। साइंस से हमारा मतलब होगा स्टडी ऑफ। साइंस से करता है किसी भी चीज का एनालाइज करता है, तो वहां के लिए क्या है हमारा स्टडी ऑफ। क्लियर हुई बात बच्चा? तो चलिए आगे हम आने वाले जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे, आराम आराम से बढ़ेंगे और उस रिलेटेड वर्ड को हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने एक सीरीज आ गई है बहुत सारे वर्ड्स की, ये इन वर्ड्स का हमें मतलब याद करना है। उसके बाद हम जितना भी हमारा प्रेशर होगा वो हमें इसी स्लाइड में देना है, जितना अभी फोकस करना है इसी स्लाइड में करो, क्योंकि आने वाली स्लाइड फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो जितने भी वर्ड हैं मैं आपको एक एक करके सभी वर्ड को याद कराऊंगा, मेरे साथ साथ वर्डों को याद कीजिए और फिर देखिए कितना मजा आता है। जैसे कि हमारा पहला वर्ड आया है एरो। एरो का मींस होता है हमारा एयर। देखो अपने आप साउंड ले रहा है एरो, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ होता है? हवा में होता है, तो आराम से याद हो गया। क्लियर, ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। ए, जिन बच्चों ने पहले क्लास को अटेंड किया वो जानते हैं ए का मीन क्या होता है, नॉट। नहीं जानते तो याद कर लीजिए, ए जो उसका आंसर होता है नॉट, उसका मीन्स होता है नॉट। क्लियर, बियर कैसे याद करेंगे? प्रेशर को क्या करते हैं हमेशा? बियर करते हैं। बियर क्या करते हैं? प्रेशर। पढ़ाई का बहुत सारा पढ़ाई का क्या है हमारे पास? बहुत सारा प्रेशर है। बच्चा माफ करना, हंसी होगी थोड़ी सी। तो पढ़ाई का पे क्या है? प्रेशर है। आफ्टर देना था हमारा कैको। कैको और कैली कैसे याद कर लो? भाई और बहन है। कैको एक बहुत गंदा बच्चा है, शैतानी करता रहता है। कैली जो उसकी बहन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो कैको बैड है और कैली ब्यूटीफुल है। क्लियर, आफ्टर देना था हमारा कार्टो। जो कार्टून होते हैं उनकी क्या की जाती है? मैपिंग, एनिमेशन होता है, उनकी मैपिंग करते हैं, तो याद करना कार्टो मींस मैप। आफ्टर देना था हमारा कोरियो। कोरियो कैसे याद करेंगे? आपने सुना होगा कोरियोग्राफ, तो ये तो आंसर ही हो गया हमारा। कोरियो मतलब क्या होता है? डांस, और ग्राफ हमारा आता है उसको बताने वाला, है ना, जो उसकी समझाए। तो क्या होता है? कोरियो मतलब हमारा डांस। ठीक है, हुई बात क्लियर। आफ्टर देना था हमारा क्रोनो। क्रोनो हमारा मींस होता है हमारा टाइम को, टाइम को रिप्रेजेंट करता है क्या? क्रोनो। आफ्टर देना था हमारा कॉस्मो। कॉस्मो हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को। देखो क्रोनो को याद कैसे याद करना है? अपनी घड़ी को देखो, घड़ी को देख करके उसकी तरफ आंख बंद करो, पहले देखो और फिर आईज क्लोज करो और सोचो, क्या मैं क्या देखा, मैंने क्या देखा? क्रोनो देखा। इस तरीके से आप याद करो, अपने माइंड में मैपिंग करो, घड़ी की मैपिंग करो क्रोनो की तरह, क्रोनो टाइम। ठीक है, आफ्टर देन कॉस्मो। कॉस्मो होता है हमारा यूनिवर्स के लिए, और क्रिप्टो आता है हमारा किसी भी चीज के
सीक्रेट के लिए। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? हल्का सा रिवीजन, फिर वापस अपनी क्लास पर आगे बढ़ेंगे। क्रिप्टो सीक्रेट, किसी चीज का क्रिप्ट सीरियस है, सीक्रेट है। कॉस्मो, ऐसा बड़ा सा मुंह बनाकर बोलो, कॉस्मो, तो क्या होगा? यूनिवर्स के लिए आएगा। किसके लिए? पूरे ब्रह्मांड के लिए। और घड़ी की तरफ देखो और बोलो क्रोनो। डांस की इमेज बनाओ माइंड में और सोचो कोरियो। मैप की इमेज बनाओ और सोचो कार्टो। ब्यूटीफुल कौन थी? कैली। बैड कौन था? कैको। बियर करना है प्रेशर को, ए होता है नॉट और एयर होता है हमारा एयर। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, जल्दी से देखो इन सभी आंसर्स को, ठीक है, फटाफट से देखो, फिर हमने आगे वाली क्लास में, आने वाली स्लाइड में हम बढ़ते हैं। चलिए आज जानते हैं हमारा पहला वर्ड आया हमारा एरोग्राफी। तो बच्चा मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं किस तरीके से हमने वर्डों को वहां देखा, और अब हम देखो कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? ए का क्या आंसर होता है हमारा, सॉरी एरो यहां पर वर्ड है जिसका मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया था, एयर। क्लियर? और ग्राफी वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, राइटिंग के लिए, साइंस के लिए। तो यहां पर जो यूज होगा वो साइंस होगा, ठीक है, तो यहां पर हमारा यूज हुआ साइंस। अब क्या साइंस से हमारा क्या मतलब होता है, हमारा किसी भी चीज की स्टडी। अब जब स्टडी की बात आई तो हमारा क्या हुआ, एयर स्टडी, यानी कि हमने क्या काम करा, एयर की स्टडी करी। तो एयर से हमारा क्या मतलब होता है, हमारा एटमॉस्फेयर। ऐसे हम धीरे धीरे अपने आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। एरो यानी कि एयर, और ग्राफ यानी कि साइंस, यानी कि एयर की साइंस, यानी कि एयर की स्टडी। क्या आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। दूसरा इसका आंसर होता है द प्रोडक्शन ऑफ वेदर चार्ट, यानी कि किसी भी उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका होना, वेदर चार्ट का प्रोडक्शन होना। बच्चा जरा एक सेकंड इसको देखिएगा, थोड़ा नॉइज आ रहा है, मैं एक सेकंड माइक को म्यूट कर देता हूं, आप इसको इतने पढ़िए। हाँ, तो बच्चा हमने पढ़ा एरोग्राफी। एरोग्राफी क्या होता है हमारा, कैसे पढ़ा हमने, एरो यानी कि एयर और ग्राफ मतलब साइंस। तो क्या हो गया, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द प्रोडक्शन ऑफ वेदर चार्ट। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। देखो ए मैंने आपको क्या बताया था, नॉट, ठीक, और ग्राफ मतलब क्या बताया था आपको, राइटिंग। तो यानी कि नॉट राइटिंग, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, नॉट राइटिंग, जो लिख नहीं सकता। क्लियर? ऐसे हम इसको आंसर को निकालते हैं। स्ट्रक्चर पर आते हैं, ए मतलब नॉट और ग्राफ मतलब क्या, उसकी राइटिंग। तो क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग अ लॉस इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। आपको आसान भाषा में बताऊं तो अक्षमता। कौन सी अक्षमता, लिखने की अक्षमता। आप इमेज को देखिए और यहां पर देखिए कि किस तरीके से जिसने भी लिखा है वो पक्का वो अग्राफिया है उसको, यानी कि वो लिख नहीं पा रहा है, तभी तो ऐसे चील को वैसे बना दिया उसने। तो ठीक है, आप भाई समझ में, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड आता है एक्सेल को बैरोग्राफ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा ग्राफ का मतलब ना तो हमेशा राइटिंग हो सकता, ना हमेशा साइंस हो सकता, डिपेंड करता है हमारा आने आगे वाला रूट वर्ड क्या है। सपोज करो कि हमारा आने वाला वर्ड है हमारा बार, तो बार हमारा जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेशर को। अब प्रेशर को हम लिख तो सकते नहीं, प्रेशर को जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो बैरोग्राफ का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा हमारा, रिकॉर्डिंग, प्रेशर की रिकॉर्डिंग करने वाला। स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, मैंने बता दिया। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, कैसे बताया, बार मतलब प्रेशर और ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, एन इंस्ट्रक्शन फॉर रिकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? मीनिंग देते हैं दाब मापी। आज समझ में आया दाब मापी कैसे मतलब निकालते हैं, बैरो प्रेशर और ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग, एन इंस्ट्रक्शन फॉर रिकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप यहां सोचकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर रिकॉर्डिंग कैसे आ गया। अच्छा देखो, प्रेशर को आप लिखोगे तो नहीं, ना उसको साइंस करोगे, क्या करोगे, इसकी रिकॉर्ड करोगे। तो इसलिए ऐसे हम आंसर निकालते हैं। यहां पर बैरोग्राफ की इमेज को देखो और याद करो। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड आता है कैकोग्राफी। बहुत आसान वर्ड है, आपने सुना भी होगा। इसका क्या होता है, कैको मतलब बेड और ग्राफी मतलब क्या होता है हमारा, राइटिंग। तो बेड राइटिंग यानी कि बुरी लिखावट। क्लियर? बहुत आसान है इसको याद करना। जैसे हमारा अगला वर्ड आया हमारा कैलीग्राफी। तो बच्चा कैलीग्राफी के मैंने आपको क्या बताया था, ब्यूटीफुल, और ग्राफ मतलब राइटिंग। जब कैकोग्राफी आया तो पैड राइटिंग, अब कैलीग्राफी आया तो ब्यूटीफुल राइटिंग। तो कैको मतलब गंदा भाई और कैली मतलब ब्यूटीफुल बहन। तो कैको कैली हमने ऐसे ऐसे याद किए थे, और ग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है राइटिंग। ऐसे हम वर्ड को हम याद करते हैं, है ना। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट। बहुत आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड लेते हैं हमारा कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी हमारा जो देखते हो इसका मतलब निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कार्टो मतलब क्या होता है बच्चा, मैप, और ग्राफी मतलब उसको लिखना, यानी कि मानचित्र का रूपण, मानचित्र को बनाना, उसको मैप करना, ठीक है। जैसे मानचित्र निर्माण की कला या उसकी क्रिया। एक्सप्रेशन इंग्लिश में देखते हैं, द आर्ट प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी कि आर्ट की कला और किसको, हमारे कौन सी कला, मैप की कला, क्योंकि कार्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कार्टो मतलब क्या होता है हमारा, मैप, और ग्राफी मतलब उसको लिखना, तो ये लिखने से मतलब हमारा उसकी क्रिया, ऐसे हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, बहुत आसान वर्ड है, जल्दी से इसको देख लेंगे, कोरियो। मैंने आपको बताया किसके लिए आया हमारा, डांस के लिए, है ना, और बच्चा ग्राफी किसके लिए आया था। अब देखो बच्चा, यहां ग्राफी का मतलब हमारा राइटिंग से नहीं है, हमारा ग्राफी से मतलब क्या है, हमारी परफॉर्मेंस से। अब आपको ये जो है ना ग्राफ पर जो होता है ना, वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ राइटिंग से मतलब आप ये मत ले लेना कि डांस को लिखेंगे, डांस को लिखेंगे तो नहीं, डांस को परफॉर्म करेंगे। जब हमारे सामने वर्ड आएंगे ना, ग्राफी से पहले वाला जो वर्ड आएगा, कोरियो, आपके सामने आया कोरियो, आपके सामने आया कोरियो, तो कोरियो का आपने मतलब निकाल लिया डांस, तो बच्चे डांस को लिखेंगे तो नहीं, डांस तो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो आगे आने वाले वर्ड से हम ग्राफी पर आएंगे और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो आसान हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ऐसे नहीं निकलता। हमको क्या करना है, रिलेट करना है। एक्सप्लेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर अ डांस परफॉर्मेंस, यानी कि नृत्य की, नृत्य रचना, क्लियर, उसकी रचना करना, डांस की मूवमेंट को बनाना, तब भी आप बोल सकते हो, राइटिंग आ सकता है। कैसे, नृत्य रचना उसका मतलब था, देखो नृत्य रचना मतलब था ना, है ना, और डांस की कला यानी कोरियोग्राफ क्या करता है, नृत्य की रचना करता है, लिखेगा नहीं रचना करेगा, रचना से यहां पर राइटिंग बोल दिया गया, ठीक है। हाँ चलिए, हमारा अगला वर्ड आया हमारा क्रोनोग्राफ। क्रोनो मतलब आता है हमारा टाइम के लिए, है ना बच्चा, क्रोनो आता है हमारे टाइम के लिए, क्रोनो का मतलब होता है हमारा टाइम, और ग्राफ का मतलब होता है हमारा रिकॉर्डिंग, यानी कि समय मापक यंत्र। क्रोनो मतलब होता है हमारा, फिर से बता रहा हूं बच्चा, टाइम, बार बार जोर दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी ना बोलो, टाइम, और ग्राफ का क्या मतलब होता है हमारा, रिकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम विद ग्रेट एक्यूरेसी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है टाइम को एक्यूरेसी के साथ। मीनिंग निकलते हैं इसका, क्या आंसर है इसका, समय मापक यंत्र। हो ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉस्मोग्राफी। तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि कॉस्मो, कॉस्मो मतलब यूनिवर्स, और ग्राफी मतलब साइंस, यानी कि ब्रह्मांड को पढ़ना, ब्रह्मांड को जानना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद जनरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द अर्थ, यानी कि ऐसी साइंस जो ब्रह्मांड को पढ़े, उसके फीचर जानने की कोशिश करे, और साथ साथ जो अर्थ को भी इंक्लूड करता है, ब्रह्मांड का विवरण। हो गई बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड आता है हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी को कैसे कवर करेंगे बच्चा, कैसे कवर करेंगे, क्रिप्टो मतलब क्या होता है, सीक्रेट, और ग्राफी मतलब होता है उसको लिखना। तो क्या हो गया हमारा, सीक्रेट को लिखने की कला, यानी कि कोडिंग लैंग्वेज जो होती है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। कैसे, क्रिप्टो को कैसे कहा हमने, सीक्रेट, क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, और ग्राफी मतलब उसको लिखना, तो सीक्रेट को लिखना यानी कि छुपी हुई चीजों को लिखना, कोडवर्ड लैंग्वेज को लिखना, तो हमारा उसे बोलते हैं हमारा क्रिप्टोग्राफी। इस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले स्लाइड का क्या मतलब था और कैसे उसको कर रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब जानते हैं, सांकेतिक भाषा का विज्ञान। क्लियर बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा अब मैंने आपको सारे वर्ड बता दिए हैं, अब आपका टाइम शुरू होता है, फटाफट से इन सब के कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। मैं हमेशा हमेशा बच्चों के नाम याद रखता हूं। अब जो हमारे संडे की लाइव क्लास होगी उसमें हम क्या काम करेंगे, मैं जिन जिन बच्चों ने आंसर किया होगा या अपना फीडबैक दिया होगा, फीडबैक से मतलब उनको उन्होंने बोला होगा सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, या मजा आया, या ये चीज अच्छी नहीं थी, ये चीज बहुत अच्छी थी, ये तरीका अच्छा था, या ये अच्छा तरीका अच्छा नहीं था, उन बच्चों के नाम मैं क्लास में लेकर जरूर बताऊंगा। और संडे वाली क्लास में हम बहुत अच्छे से चीजों को कुछ नया लेकर आऊंगा हमेशा की तरह, और हम चीजों को कवर करेंगे, ठीक है बच्चा। तो फटाफट से आंसर टाइप कीजिए, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, देन आफ्टर हम अपनी अगली चीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो जल्दी से कवर कीजिए फटाफट से, चलिए बच्चा फटाफट से आंसर टाइप कीजिए। अगर आप सपोज भी कीजिए आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तब आंसर टाइप कीजिए। देखो जो बच्चा बहुत मेहनती होगा, अगर आप इसके आंसर टाइप करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा, आपको आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है बिल्कुल आपको आपके माइंड में कैप्चर है।
चलिए जैसा मैंने गवाते हुए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं और हल्का सा रिवीजन कर ले, इस बहाने हमारा रिवीजन हो जाएगा। कैसे? एरोग्राफी। एरोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर। अग्राफिया अक्षमता, बैरोग्राफ दाबमापी, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी क्या होता है? बुरी लिखावट, कैलीग्राफी अच्छी लिखावट, कार्टोग्राफी मानचित्र निर्माण की कला या क्रिया, कोरियोग्राफी नृत्य रचना, क्रोनोग्राफ समय मापक यंत्र, कॉस्मोग्राफी ब्रह्मांड का विवरण, क्रिप्टोग्राफी सांकेतिक भाषा का विज्ञान। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको रूट वर्ड बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए आज अपने वोकैबुलरी धमाके के अगली स्लाइड्स पर बढ़ते हैं और जानते हैं आज हमारी क्या है। यस, फ्रेजल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चा प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब कोई नहीं कराता, हम आपके साथ पूरे अच्छे से इन चीजों को भी कवर कर रहे हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी में चार चांद लग जाए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। और आज जानते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब कौन सी आ रही है। पहली फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है कॉल ऑन। बच्चा ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस जो आपको कभी कभार फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में और इडियम फ्रेजेस में, आपको इडियम फ्रेजेस वाले सेक्शन जो पार्ट होता है हमारा, जहां पर 5 से 6 हमारे स्टैंडर्ड वाले एग्जाम में ये आते हैं और सीजन में बहुत सारे आते हैं, वहां पर आपको ये डायरेक्ट दिख जाते हैं। बच्चे ईडीएम फ्रेज याद करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर एसएससी वाले फ्रेजल वर्ब को भी रख देते हैं ईडीएम फ्रेज वाले सेक्शन में और वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, इसका आंसर क्या है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और हर चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमारे सामने पहली फ्रेजल आ गई है कॉल ऑन। जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मीन्स होता है किसी से जाकर भेंट करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, सब समझाऊंगा, अभी फोकस करो। गो एंड विजिट अ पर्सन, एग्जाम्पल द फॉरेन गेस्ट विल कॉल ऑन यू नेक्स्ट वनडे। अब देखो ये बच्चे को, देखो ये कॉल ऑन करने गया है किसी और से, किसी से जाकर मिल, आपको याद कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और माइंड में बोलिए कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर भेंट करना। आप सपोज कीजिए आपको किसी दोस्त ने आपको बुलाया है और आप कॉल करने गए हैं किसी मॉल में, किसी भी जगह पर, है ना। तो आप उसे मिलने गए, अभी जगह मत सोचो, जगह के लिए दूसरा आएगा, फिलहाल आप उससे मिलने गए हैं। आपने माइंड में आंख बंद करो और सोचो कॉल ऑन। कॉल ऑन क्या? किसी से जाकर भेंट करना, क्लियर। तो क्या हुआ कॉल ऑन, मतलब क्या हुआ किसी से जाकर भेंट करना। अब देखो दूसरी चीज, नेक्स्ट है हमारा कॉल एट। जब हमने माइंड में मैपिंग की थी कॉल ऑन की, तो हमने हमारे माइंड मैपिंग की थी क्या कि कॉल ऑन किसी से जाकर भेंट करना। अब जब किसी से किसी प्लेस पर जाकर विजिट कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उससे भेंट कर रहे हैं, तो आया कॉल एट। अब आप आईज क्लोज करो और सोचो आप रास्ते में किसी से मिलने जा रहे हो, तो कॉल ऑन। और जब किसी की डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो क्या बोलोगे? कॉल एट, क्लियर। तो कॉल ऑन कॉल एट हमारे दो फ्रेजल वर्ब कवर हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन में आता है विजिट अ प्लेस टू मीट, मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल इन द लेटर ही वाज आस्क्ड टू कॉल एट द सेशन, उसने अपने शब्दों में बोला, उससे पूछा, ही वाज आस्क्ड टू कॉल एट द सेशन, यानी कि सेशन पर उससे जाकर भेंट करने के लिए, वैसे ऐसा उसने कहा था अपने शब्दों में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा कॉल अप। कॉल अप का होता हमारा याद करना, बोलते ना रिकॉल कर लो। देखो ये बच्चा हमारा सामने बैठा हुआ है, स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, बुक्स को लेकर के कॉल अप कर रहा है। अब आप भी अपने आईज क्लोज करो और सोचो अपने सामने किताब को, सोचो कि आप किताब खोले बैठे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? कॉल अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉल अप। एक्सप्लेनेशन में आते हैं टू टेलीफोन टू रिकॉल, टेलीफोन से हमारा मतलब है किसी चीज को याद करना या फिर रिकॉल करना। एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स कॉल अप टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन माई मैरिज, यानी कि मेरे फ्रेंड ने याद किया मुझको कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देने मेरी मैरिज पर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कॉल फॉर। तो बच्चे देखो कॉल फॉर का आंसर होता है हमारा किसी चीज की डिमांड करना। अब आप जब अपने फादर से या अपने भाई से, अपने बड़े भाई से किसी की डिमांड करते हैं तो वहां पर आता है हमारा कॉल फॉर। अब भी आप अपनी आईज को क्लोज कीजिए और सोचिए आपने पापा के पास गए हैं और आपने पापा से बोला कि पापा मेरे को शूज लेने हैं, कौन से? रिबॉक के 5000 वाले। पापा ने कहा बेटा ये, पापा ने कहा नहीं, सीधा अपना वो लेंसर वाला जूता निकाला और आपके चांद पर भेजा दिया कि बेटा 5000 के जूते पहने का है। तो ऐसे उन्होंने, ठीक है ऐसे करो। तो कॉल फॉर, आपने डिमांड करी अपने फादर से शूज के लिए, तो कॉल फॉर टू योर फादर, ठीक है, किसके लिए? शूज के लिए। जैसे माय सन कॉल फॉर अ कार फॉर हिज बर्थडे, मेरे लड़के ने, मेरे बच्चे ने क्या काम किया, कॉल किया किसके लिए? अपने बर्थडे पर कार को, कार की मांग की, ठीक है। मेरे बच्चे से मतलब समझना, मैं भी बच्चा ही हूं, ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है बच्चा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉल इन। देखो जब कॉल इन आता है तो उसका मीन्स होता है हमारा बुलावा भेजना। किसी भी चीज को हम जब क्या करते हैं, कॉल इन करते हैं। जैसे कि शादी के लिए क्या करते हैं, बुलावा कॉल इन किया जाता है ना, कॉल इन, कॉल करके बताते हैं भाई मेरी शादी है आ जाना। या कोर्ट वगैरह के द्वारा जो समन वगैरह भेजा जाता है वहां पर भी हमारा कॉल इन आता है, वो समन यहाँ पर इसीलिए आया गया है। और ठीक है आप समझ गए ना, कॉल इन मतलब किसी चीज का बुलावा भेजना। एग्जाम्पल, हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू कॉल इन, यानी कि आप कितने फ्रेंड्स को बुलाओगे, है ना, बुलावा भेजोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता हमारा ऑफ। देखो बच्चा ऑफ जो है ना स्विच ऑफ की तरह आ रहा है, हमेशा मैं बताया आपको कि जब ऑफ वर्ड आता है तो किसी चीज को बंद करने के लिए आता है, कैंसिल करने के लिए आता है, स्थगित करने के लिए आता है। एक्सप्लेनेशन पर आएंगे तो क्या होगा हमारा, सस्पेंड और अबंडन। ठीक है, एग्जाम्पल पर आएंगे, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लियर हुई बात, कॉल ऑफ मतलब स्थगित करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ, देखो फोर्थ वर्ड जो होता है वो किसी चीज के लिए पैदा करने के लिए आता है, उजागर, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। जब फोर्थ आएगा तो फोर्थ क्या करेगा, किसी चीज को उजागर करेगा। फोर्थ क्या करेगा, उजागर करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं और इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डिफिकल्टीज कैन फोर्थ अ पर्सन्स बेस्ट क्वालिटी, यानी कि जो कठिनाइयां हैं वो किसी भी इंसान की बेस्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट बाहर लेकर के आती है, उस पर रिएक्शन देती है, उस पर प्रतिक्रिया पैदा करती है, है ना, उसको उजागर करती है। जैसे कि आप अभी क्या है, स्ट्रेस में होंगे कि यार एग्जाम आने वाला है, तो दैट टाइम पर आप क्या करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, 5 घंटे की तरह 6 घंटे पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, आपकी जितनी भी क्या है आपकी क्वालिटीज हैं वो कॉल फोर्थ होंगी। इस तरह से आप क्या याद किया करो, बातों को बनाया करो, खूब बातें बनाया करो, वो कैलर की खूब बातें बनाया करो और याद किया करो। ठीक है, चलिए अब हमारा फटाफट से हम अपने आ गए हैं रिवीजन पर। तो रिवीजन हमारा होने वाला है, अब आपके पास केवल 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर फ्लैश कर दूंगा। तो बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए, फिर हम क्या काम करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे और अपने क्लास को ओवर करेंगे। तो बच्चा फटाफट से सभी आंसर टाइप करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, मैं जानता हूं 30 सेकंड बहुत कम है, लेकिन जितना हो सकता है आंसर टाइप कीजिए। और या आप नहीं भी टाइप करना चाहते हैं तो बस अपने माइंड में सभी के सभी आंसर को रिकॉल कीजिए। ठीक है बच्चा, यहां पर ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर कॉल अपॉन आता है तो मैं आपको बता भी दूं, जब कॉल अपॉन आता है तो ये आंसर लेता है किसी को भी आमंत्रित करना। ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो फटाफट से रब कर देते हैं और इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं ना बच्चा। हमें ज्यादा समय नहीं है, टाइम हो गया आपकी क्लास का, अगली क्लास का, आप फटाफट से अपना कवर कीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं से लेने लगा था ताकि वोकैबुलरी आप बहुत कम टाइम में अच्छे से अच्छे कवर कर पाए। ठीक है बच्चा, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के आंसर की तरफ जानते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने सारा सॉल्यूशन पढ़ लिया है, बस यहाँ पर क्या फायदा होता है रिवीजन से, कि आपकी प्रिपरेशन दोबारा से हो जाती है। ठीक है, तो कॉल ऑन मतलब किसी जाकर भेंट करना, कॉल एट किसी के घर या ऑफिस इत्यादि जाकर भेंट करना, बताया था कॉल एट घर पे जाकर, और कॉल ऑन किसी से जाकर भेंट करना। कॉल अप अपनी आप क्या करते हैं, पढ़ाई को, किताबों को, बुक्स को, चैप्टर्स को याद करते हैं, कॉल अप करते हैं। कॉल फॉर अपने फादर से किसी की डिमांड करते हैं। कॉल इन किसी को समन भेजा जाता है। कॉल ऑफ किसी चीज के लिए स्थगित करने के लिए आता है। और लास्ट वर्ड है हमारा कॉल फोर्थ, जो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज की प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए। एक निगाह मार लीजिए, आंसर को पढ़ लीजिए, मुझे 100% उम्मीद है कि आप सबको ये सभी चीजें याद हो गई होंगी, और नहीं याद होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे फिर आपसे बोलता हूं, तो प्लीज वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज को लाइक कीजिए करिए, ज्यादा शेयर करें हमारे परिवार को और बड़ा करें, और हमारे चैनल को, हमारे परिवार को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चा, तो क्या है, अगली बार अपनी क्लास में मिलेंगे फिर से आपके सामने नई चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए, मजे करते हुए, हंसते खेलते हुए और पूरी एनर्जी के साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए, भागते हुए पढ़ाई को हम करेंगे। तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपनी क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए। ठीक है बच्चा।